हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉर्थ टू साउथ रेसिपी। आज मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए कैरेट राइस बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं। मैंने पैन पे कढ़ाई पे तेल गरम कर लिया है। उसमें डाल देंगे हम सरसों। सरसों डालने के बाद हम इसमें फली दाना डालेंगे, फली दाना और चना दाल डालेंगे। अच्छा, कैरेट राइस जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी बेटी बोली, मम्मा आज हमको कैरेट राइस चाहिए करके। ये हेल्पफुल भी रहता है। कई बच्चे जो है सब्जी नहीं खाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की सब्जियों में इस तरह से कैरेट के बदले दूसरी और कुछ सब्जी डाल के आप बना के अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसमें अभी चना दाल और फली दाना डाल दी हूँ। उसके बाद में प्याज, हरी मिर्ची और मीठी नीम की पत्ती इसमें डालेंगे। फली थोड़ा अच्छे से रेड कलर और चना दाल भी अच्छा रेड कलर में भुंजाने के बाद में फिर उसके बाद में हम प्याज और मिर्ची डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनने लेंगे। अच्छे से थोड़ा भून लेना है ताकि वो जो कच्चा स्मेल है वो सब चला जाए। आप लोग अपने बच्चों को टिफ़िन में क्या क्या देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें हम थोड़ा सा आधा टीस्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको डाल सकते हैं। आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना नहीं डाल सकते हैं, लेकिन डालने से क्या है थोड़ा टेस्ट बढ़ेगा। कई लोगों जैसे उनका स्मेल पसंद नहीं है तो नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं। अब वो थोड़ा लहसुन अदरक थोड़ा भुंजाने के बाद में हम जो कैरेट जो है गाजर उसको कद्दूकस करके रखे हैं उसको डाल लेंगे। उसको डालने के बाद में उसमें जितना ज़रूरत है उतना नमक डालेंगे। नमक जो है थोड़ा तेज़ी डालना है क्योंकि इसको हम चावल में मिला के बच्चों को देंगे ना, इस वजह से। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी डालना थोड़ा ज़रूरी रहता है, एक एंटीबायोटिक के रूप में भी ये काम करता है। हल्दी डाल के अब इसको हम पका लेंगे। ढक्कन लगा के हम इसको थोड़ा स्टीम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा पकने के बाद में फिर उसको हम थोड़ा ठंडा करके चावल में मिला के फिर बच्चों को देके देखो इसमें बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और पक भी चुका है। गाजर पकने के लिए तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं चावल में मिला लूँगी। चावल में अच्छे से मिला के आप इसमें थोड़ा ऊपर से घी भी डाल सकते हैं और नमक जैसे नहीं पूरा था नमक डाल कर मैं मिला ली हूँ। मेरे बच्चों को टिफिन में पैक करके दे दूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।